हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ आशुतोष डे म्यूजिक में। मैं हूँ आशुतोष मिश्रा। दोस्तों, आज बड़े दिनों के बाद आप सबके बीच आया हूँ। मैंने वादा तो कई बार किया पर नहीं हो पाया, कुछ कारणवश, कुछ मजबूरी, कुछ इमरजेंसी कारण। तो आइए, आज हम आपको बहुत एक सुंदर सा एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं बांसुरी के ऊपर, जो लोग सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, उन सब के लिए है। और देखिए, मैं तो सीधी सी बात बताऊँगा कि बांसुरी बजाने के लिए या कि कोई इंस्ट्रूमेंट हो, सबसे बेस्ट तरीका है, तरीका नहीं मतलब कह सकते जो कि रियाज ही आपको मतलब वहाँ तक, उस मंजिल तक ले जाएगा। रियाज करेंगे तो ही होने वाला है, रियाज नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है। क्योंकि अभी के लोग जो है बिगनर, उनके अंदर जो है पेशेंस नाम का चीज़ नहीं है। जैसे बांसुरी पकड़ा तो आज पकड़ा, कल से चाहता जो कि गाना निकल जाए, गाना बज जाए। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, बार बार मैं बताता हूँ, कई बार वीडियो मैंने बोल चुका हूँ, जो कि बांसुरी बजाना कोई मतलब कठिनाई नहीं है, लेकिन अगर रियाज नहीं करेंगे तो बहुत कठिन है। फिर तो इस जन्म में नहीं होने वाला, अगले जन्म में होगा। ठीक है, देखिए, बांसुरी को पकड़िए और पकड़ने के बाद जो है, जब आप इसमें एयर ब्लो करते हैं तो सुर को सुना कीजिए। सबसे फर्स्ट गलती आप लोग क्या करते हैं, जो कि सुनते नहीं, बजाते क्या है ये सुनते नहीं, और बजाते तो जा रहे जो कि सर बजा लिए, सारे गामा पाधानी तो हो गया, अब तो होनी चाहिए आगे की चीज़। लेकिन नहीं, आप जब बजाते हैं तो सुना कीजिए। पहला नंबर सुनना, देखिए, एक नंबर सुनना। सुनने के लिए देखिए, जब भी आप कानसेन बनेंगे तभी तानसेन बनेंगे, है ना, कहावत में है जो कि पहले कानसेन बनो फिर जाके तानसेन, है ना। तो सुनना बहुत ज़रूरी है। दूसरी नंबर बात, आपकी जो फूकने की जो क्षमता है ना, वो कम से कम आपकी 15 या कि उससे ज़्यादा भी हो सकता है, 16, 17, 18, 20, हाँ ऊपर जितना तक हो पाए, लेकिन जो है नीचे कम से कम जो है 15-16 सेकेंड्स आपकी होनी ही चाहिए, तभी जा करके आप बांसुरी को कवर पाएंगे, कवर कर पाएंगे। यानी बजाने के लिए कुछ भी जब बजाते हैं आप, तो श्वास आपकी, देखिए बांसुरी बजाने के लिए सबसे दो चीज़ जो है बहुत मतलब ज़रूरी है, एक फिंगर एक्सरसाइज, दूसरा एयर। लेकिन इसमें भी दोनों में सबसे ज़्यादा किसकी महत्व है, तो एयर ब्लोइंग का। जब आप ब्लो करते हो तो आपकी ब्लो जो है ये काफ़ी तगड़ी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छा होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है, ब्लोइंग, है ना। उसके बाद दूसरी नंबर है फिंगर एक्सरसाइज। अगर ये दो चीज़ आपकी हो जाता अच्छा, तो बांसुरी बजाना आपके लिए हो जाएगा जीरो। और आज मैं बहुत सारे इस तरह की तरीका कुछ ही सेकंड, कुछ ही मिनट में बताने वाला हूँ, ताकि देखिए आप लोग रियाज नहीं करते और हमसे सवाल करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला। अगर यदि आप थोड़ा ज़्यादा ही कर लेते हैं, सारे गामा की 6 महीना ही कर लेंगे, तो क्या होने वाला कि मतलब ऐसा थोड़े नुकसान होगा, नहीं नहीं फ़ायदा ही होगा, लाभ ही होने वाला जो कि नुकसान नहीं होने वाला। तो इसीलिए सबसे पहले नंबर बात सुनिए, उसके बाद ये जो है सानी धप सानी धप, ये लोअर ऑक्टेव में बज रहा है, मध्य सप्तक का सा बज रहा, सानी धप सानी धप सानी धप सानी धप सानी धप सानी धप। और अब क्या करेंगे, इस पे एक एक सुर पे रुकना है। जैसे यहाँ पे सा पे रुक, धा पे रुक गए, फिर जो है क्या कहते हैं, जैसे यहाँ सा नी पे रुक गए, नी पे रुकने के बाद धा पे रुकना है, धा पे रुकने के बाद फिर प पे रुकना, और लंबा लंबा सुर पे रुकना है, एक एक श्वास में जितनी सुर हो सके उतना। फिर नी पे रुकना, नी पे रुक गए धा, फिर प, सुना कीजिए, एकदम सुनते रहना। फिर सा से, सॉरी प से सा पे आ जाना है सीधी डायरेक्ट, रुक रुक के सुन सुन के धीरे। देखिए इसका शॉर्टकट कोई फॉर्मूला नहीं है ना, और या कि कोई पैकेज तो नहीं है जो कि हम दे देंगे आपको तो हो गया, आप बन गए मास्टर, ऐसा नहीं है। यहाँ पर रियाज तो करना ही पड़ेगा, अगर यदि बजाना है, सीखना है, तो रियाज प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और जिस तरह से मैं बता रहा हूँ ना, जो कि अगर आप लोग
करना चाहे करते हैं तो ज़रूर होगा यार। और आप लोग विश्वास नहीं करते और इधर उधर में भटक जाते हैं कई सारे वीडियो देख करके, और फिर होता नहीं है ना। देखिए, ये जो है वाइब्रेटर, फूक जब हम लगाते हैं तो फूक को ही थोड़ा सा हिलाते हैं, या कि कुछ टाइम करते करते ना वाइब्रेशन जो है, वाइब्रेट जो है, अपने आप वो उत्पन्न होने लगता है, कंपन होने लगता है। ठीक है, तो इसी से यहीं से आप लोग मेरे से पूछते जो कि सर आप कैसे करते हैं, तो करना धरना कुछ नहीं होता है, ऑटोमेटिक सब होने लगता है। और जितना ये सब होता है ना, मेंढ गमक खटका मुर्की, ये सब ऑटोमेटिक धीरे धीरे आ जाता, आपको पता नहीं होता है जो कि वो चीज़ है, लेकिन वो चीज़ होने लग जाता है। एक्चुअल में सच्चाई यही है, आपको पता नहीं होता जो कि हम क्या कर रहे होते हैं और क्या हो रहा है, लेकिन सच्चाई यही है जो कि धीरे धीरे वो अपने आप डेवलप होने लगता है और वो आ जाता है, आपको पता नहीं होता लेकिन हो जाता है। तो इतना रियाज आपके लिए बहुत है। उसके बाद दूसरी नंबर में आपको करना है जो कि सबसे बड़ा ज़रूरी होता है एक चीज़, और ताल, 1 2 3 4, आपको 80 BPM में लगाना है, कुछ भी लगा लेना है, जैसे कि मान के चलिए अपना एक वो कौन सी मीटर होता है वो भी होता है, या कि रिदम के नाम से भी आता है वो भी लगा सकते हैं। और जब 4 बीट वो गिरता है, 1 2 3 4, 4 बीट गिरता है और 4 के ऊपर ही अपने को गाना है, सा रे ग म पा ध नी सा। तो यहाँ पर एक बीट में एक सुर को गाना, जब आपकी ये तैयार हो जाए तब एक बीट में 2 सुर गाना है। जैसे एक बीट गिरता टक, तो यहाँ पे हमें गाना है सा सा, फिर जब करता टक तो हमें गाना है रे रे, फिर जब गिरता टक तो हमें गाना ग ग, फिर जब गिरता टक तो फिर हमें गाना मा मा, सा सा रे रे ग ग मा मा, सा रे ग मा, सा सा रे रे ग ग मा मा, सा रे ग मा। ताल वही रहेगा, पैटर्न वही चलता रहेगा, हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, हम अपनी स्पीड को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो छोटी छोटी वीडियो और हम आप सब के लिए लाते रहेंगे। अब हो गया है हमारी सारा सब कुछ, तो हम लेट नहीं करेंगे। वैसे अभी मैंने काफ़ी टाइम से काम छोड़ दिया था, यूट्यूब के ऊपर नहीं डाल पा रहा था, वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्योंकि बहुत सारी मजबूरियाँ थी। ये देख रहे हैं ना, बाल बाल भी सब कितने बड़े बड़े बाल थे, सब गंजे वंजे होके बैठे हैं। तो इस वजह से कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है और करते रहना है, ये ज़िंदगी है, चलती रहती है ना। तो नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में एक बहुत बढ़िया अच्छा लेसन के साथ, और सीखते रहिए।